जूसी है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पीपल, आप देख सकते हैं जबरदस्त मजेदार सी चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है, देखने में ही परफेक्ट। सूप बहुत मजे की है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे रोना आ रहा है, बहुत मजे की। आप इसको जरूर ट्राई पीसीज वो टेस्ट करते करते मैं खा गई हूँ, ये मजीद पीसीज मुझे रखने पड़े हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी तहमीना अजीज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीना। व्हाट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है जबरदस्त सी चिकन मलाई बोटी, तो बाकी बातें सारी बाद में करेंगे क्योंकि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए कौन कौन सी इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप ले लीजिए चिकन हाफ के जी, इसको कर लीजिए बोनलेस चाहिए होगा आपको। मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ क्योंकि टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा अफरा तफरी का दौर है। क्रीम चाहिए होगी आपको 4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर चाहिए होगी आपको 1 टीस्पून, वेनेगर चाहिए होगा आपको 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट चाहिए होगा आपको 1 टेबल स्पून, ऑयल चाहिए होगा आपको 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा आपको 1 टीस्पून, कॉर्न फ्लोर चाहिए होगा आपको 2 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, रेड पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा जी जनाब, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको जितनी जितनी क्वांटिटी बताई है, इस चिकन के अंदर डाल देते हैं। राइट पीपल, अब ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं ओवरनाइट, अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो कम से कम इसको 3 घंटा ज़रूर रखिएगा, लेकिन मैं इसको पूरी रात के लिए रखने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए। ऑलराइट पीपल, गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। चलिए जी, मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया है और रिज़ल्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप बगैर टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी जनाब, अब ये स्टिक्स जैसे कि आप देख सकते हैं ले ली है मैंने, इसको आराम आराम से उंगली बजाते हुए एक एक चिकन के पीस को इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है जी, ज़रा अच्छे अच्छे पीसीस निकाल के ढूंढ के अपने लिए रख लूँगी ना ये, बाकी जो छोटे छोटे हैं वो घर वाले खा लेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से इसको एक बना लेते हैं स्टिक, बगैर ओवन के स्टोव पे बनाने जा रही हूँ मैं, और ये देखिए कितना जूसी है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट पीपल, अब मैंने ले लिया है एक हॉट प्लेट, ठीक है जी, इस पर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, उसको स्प्रेड कर दिया है। आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक ग्रिल भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है, मैं इसी में बनाती हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं हमेशा इसी में बनाती रहूँगी और बस बनाती रहूँगी भाई। चले जी, अब इसके ऊपर रख देते हैं और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में आपने इसको पकाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद 3-3, 4-4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि ऊपर से नीचे से हर जगह से ये कुक हो जाए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसके पास आपने खड़े रहना, ये नहीं कि आपने इसको रखे कहीं दाएँ बाएँ हो जाना है, इसके पास खड़े रहें, इसको चेंज करते जाएँ लो फ्लेम में, तो मज़ेदार सी मलाई बोटियाँ तैयार हो जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी, मेरे कुकिंग चैनल से पहले आपने इतनी आसान कुकिंग कभी देखी थी? यकीन आप ना कह रहे होंगे, बस मुझे फॉलो करते जाइए। राइट पीपल, विद इन 15-20 मिनट्स देखिए किस कदर ज़बरदस्त सी मलाई बोटियाँ तैयार है, इतनी खुशबू आ रही है, और यकीन करिए इससे पहले जो थी 2 पीसीज वो टेस्ट करते करते मैं खा गई हूँ, ये मज़ीद पीसीज मुझे रखने पड़े हैं सिर्फ आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को भी तो सिखाना था। तो चले जी, अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, इनको मैं डिश आउट करती हूँ। सो पीपल, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है, देखने में ही परफेक्ट सुपर्ब डिलीशियस लग रही है। चलिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये टेस्ट में कैसी है। ये वाली लूँ, चले जी ये वाली ले लेती हूँ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ वाह, बहुत गर्म है ये, ज़रा मुझे बच बचा के जी। वाह वाह वाह, बड़ी सॉफ्ट लग रही है, देखिए ज़रा आप। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है, वाह सुभानअल्लाह, टू बी वेरी ऑनेस्टली ये बहुत मज़े की है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे रोना आ रहा है, बहुत मज़े की। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप ऐसा करिए, मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला, फूफो, चची, नानी, दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।